अब ये बता दें, हमने कल भी कहा कि विपक्ष का कमजोर होना ये बड़े दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको सबक लेना चाहिए कि अगर जो हमारे विधायक हमारे दल को छोड़ के भाग रहे हैं, मेरे नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी समीक्षा करनी चाहिए, नहीं तो उनको पद त्याग देना चाहिए। जिसके नेतृत्व पर लोगों को विश्वास नहीं है, जिस अपने विधायकों को जो व्यक्ति बंधुआ मजदूर के तरह रखता है, उसका विधायिका का अपमान करके विधायिका का सम्मान नहीं करता, विधायकों को विवश करता है कि इस दल में तुम्हारी कोई भविष्य नहीं है, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। कोई भी विधायक जनता के जनादेश लेके आता है, जिस दल से आता है उसके प्रति उसकी निष्ठा होती है, लेकिन अगर जो वो निष्ठा पर चोट लगती है, उसके मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट लगता है, तभी वो विवश होता है दल बदलने के लिए। फ्लोर टेस्ट के दौरान आपके कुछ विधायकों को गायब करने की साजिश हुई थी, क्या उसी का बदला आप लोग ले रहे हैं? देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है, और एक्शन जिन लोगों ने किया, कहा खेला करेंगे, तो आप लोग के सामने हमने 4 दिन पहले कहा था कि पड़ जाइएगा झमेला में, और उन्होंने तो खेला खेल नहीं सका। लेकिन अब झमेला जो शुरू हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गड़बड़ हो रहा है। शुरुआत किए राजद के लोग, गायब कर रहे थे, खरीद फरोख्त का ऑफर दे रहे थे। मेरा न वो विचार रहता है, न वो भाव रहता है, हम इसमें विश्वास भी नहीं करते, लेकिन किसी विधायिका का अपमान करेगा तो विधायकों के सम्मान के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाते आज भी मन में वही भाव है जो सदन में रहता था। हमको कहा था एक विधायक, राजद कहे कि मेरा अपमान कर रहा है, 6 बार के हम विधायक हैं, हमको सम्मान नहीं मिला। और मैं कह देता हूं कि वो विधायक 1 रुपये का कहीं लेन देन की बात किसी की नहीं है, वो तो स्वाभिमान से खुद सब जानते हैं उनके बारे में। पैसे की लेन देन से विधायक की निष्ठा खरीदी नहीं जा सकती है। विधायक के मान सम्मान स्वाभिमान और जमींदारी मानसिकता त्यागना होगा, बंधुआ मजदूर की भाव को छोड़ना होगा, तभी विधायक आपके साथ रहेंगे। एक चीज बताएं, हमने जो शुरुआत किए हैं वो सही जवाब देंगे कि हमने तो शुरुआत नौता दिया, तो लोग विजय करा रहे हैं तो वो समझें, हमारी तो कोई भूमिका उसमें है नहीं। अब उनके विधायक भाग रहे हैं, उसमें मेरी क्या भूमिका है? 15 विधायक संपर्क में है, 6 आ चुके हैं, 15 विधायक संपर्क में, 6 आ चुके हैं, सरवन बाबू ने कहा। अब देखिए, संपर्क में तो हमारे पूरे हाउस है, संपर्क में मेरा पूरा हाउस है। और एक चीज बता दे, बिहार के अंदर बहुत हो गया ये वंशवादी जमींदारी भाव से राजनीति करने का, और बिहार इस शब्द को गाली बनाने वाले लोगों से हर बिहारी मुक्ति के लिए तैयार है। और कोई भी वंशवादी जमींदारी मानसिकता के लोग, जिसकी करनी कथनी में समरूपता नहीं है, और जो अपने को बड़े खिलाड़ी समझते हैं, वैसे लोग को न बिहार की जनता स्वीकारेगी, अनो जनता के विश्वास लेकर आने वाले विधायक स्वीकारेंगे। विधायक भी चाहता है कि बिहार का सम्मान बढ़े, बिहार का मान बढ़े, और बिहार अब फिर से गाली न बने, बिहार कलंकित न हो। सदस्यता समाप्त करने की बात हो रही है, कैसे आप लोग बचाएंगे? बीजेपी डरी हुई है, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है सदस्यता। अरे जो डरे हुए हैं उनके चित्कार साफ सुनाई पड़ रहा है। सर, सदस्यता समाप्त करने की बात, अरे सदस्यता समाप्त करेंगे, चले उपचुनाव में, 3 उपचुनाव जीत के आए हैं जब ये 6 पार्टी साथ में थे, अब तो NDA साथ में है, जनता किसके साथ खड़ा रहेगी उपचुनाव में पता चल जाएगा। देखिए, कामगार और शिल्पकार मजदूरों को पहले 1 लाख रुपया मिलता था, हमने ही उसको 2 लाख प्रवासी मजदूरों को किया, और आपदा से यहाँ 4 लाख मिलता था, ये सब जानता है। मजदूरों के मद में 2 लाख रुपया जो अप्रवासी मजदूर थे, कामगार और जो यहाँ एक्सीडेंटल, अब उसमें भी थोड़ा संशोधन हुआ उस विभाग का, उसमें भी है कि
जो दुर्घटना करके भाग गया या जो दुर्घटना में मृत्यु हुआ, तो नए नए प्रावधान हैं। इन लोगों को कन्फ्यूजन कोई, इनके पास एजेंडा सब्जेक्ट नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कि जिस मजदूर को मजबूर करके पलायन के लिए आपने विवश किया, उस मजदूर को हमने श्रमिक बना कर करके, उसके हुनर कौशल को बढ़ा करके, प्रशिक्षित कर करके, उसकी सुरक्षा का और उसका उचित मेहनताना और रोजगार के अवसर का वातावरण बनाया। अब 2 लाख और 4 लाख 6 लाख मजदूर के मद में जाता है, लेकिन उसको इन्होंने ट्विस्ट करके घुमाना, क्यों एजेंडा नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मजदूरों के प्रति इनकी हमदर्दी नहीं है। मजदूर के नाम पर, गरीबों के नाम पर, दलितों के नाम पर, कमजोर तबका के नाम पर ये जमींदारी वंशवादी मानसिकता के लोग, उसकी संपत्ति अकूत बनते जा रही है, क्योंकि गरीबों की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं। तो ये मानसिकता के लोग सदन में गंभीरता नहीं दिखाते हैं, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है।